माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो टॉपिक है वह इतिहास से संबंधित है और एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित है हमारा आज का वीडियो। और आज इनकी जयंती है और इन्हीं के जयंती पर हमारा आज का वीडियो केंद्रित है। तो आज सब लोग जानते हैं कि इनकी जयंती है। आज जो जयंती है भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। भीमराव अम्बेडकर बिहार के जो भारत का जो संविधान है उसके जनक भी कहे जाते हैं। तो इसी इन्हीं पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको आगामी जितने भी एग्जाम है उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ और वकील थे भारत के। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर हुआ था। आजकल ये अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, अंबेडकर नगर अभी इसको हम लोग बोलते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को मुंबई में हुई थी और वहीं पर इनका समाधि स्थल है जिसका नाम है चैत्य भूमि और ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र से इनका बहुत ही लगाव रहा है क्योंकि यह उनका राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था और ये विधानसभा सदस्य बने थे। बॉम्बे उस समय था, बॉम्बे के विधानसभा सदस्य बने थे। 1942 तक थे ये बॉम्बे विधानसभा के सदस्य। इनकी पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अम्बेडकर और इनसे इनका विवाह हुआ था 1906 में। उनका देहांत हो गया 1935 में। दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था सविता अम्बेडकर और इनका विवाह हुआ था 1948 में। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सतपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई सतपाल। विशेष थे, मतलब इनकी विशेष उपलब्धियाँ थी। भारत के प्रथम कानून मंत्री, न्याय मंत्री रह चुके हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो इनको प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। उस समय उसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। अगला है कि विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। उस समय ये अपने युग में सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल करने वाले विश्व के व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति कहा जाता है। संविधान सभा के मसौदा समिति के ये अध्यक्ष भी थे और 1990 में मरने उपरांत इन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया, जो मरने उपरांत मिला इनको। और इनकी दूसरी पत्नी जो थी सविता अम्बेडकर, इन्होंने उसको 14 अप्रैल 1990 को मतलब राष्ट्रपति के हाथों से ग्रहण किया था। तो ये था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में व्यक्तिगत कुछ परिचय। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।